relative velocity. So today we'll discuss about the relative velocity. Relative velocity, the relative velocity of an object 2 with respect to object 1 when both are in motion is the time rate of change of position of object 2 with respect to the object 1. तो रिलेटिव वेलोसिटी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स अगर मोशन में हैं तो ऑब्जेक्ट टू की रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वन, ठीक है, वो कैसे डिफाइन करेंगे हम कि रेट चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वन इज़ नोन एज relative velocity of object 2 with respect to object 1. Clear? Now the finding the expression for relative motion. यहाँ पे हमने consider किया हुआ है object 1 जो है वो v1 velocity से और object 2 जो है वो v2 velocity से move कर रहा है same direction में, ठीक है, दोनों की direction same है तो हमने इस तरह से denote किया हुआ है. Clear? चलिए अब हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है कि जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी जो पोजीशंस हैं उनको हमने x10 और x20 से डिनोट किया हुआ है, ठीक है. दैट मीन्स x10 जो है t=0 टाइम पीरियड पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन है और t=0 पे जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन है x20. क्लियर, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन है टाइम इंटरवल t=0 के लिए इनिशियल टाइम पे, ठीक है. चलिए अब हमने यहाँ पे कंसिडर किया है जो टाइम इंटरवल t है किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे जो पोजीशन होगी हमारे फर्स्ट ऑब्जेक्ट की उसे हम लिखेंगे xt से और x1t जो है इसे हम डिनोट करेंगे इस तरह से x1t will be equals to x10 plus v1 into t, ठीक है. सिमिलरली जो हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट है टाइम इंटरवल t पे उसकी जो पोजिशन होगी वो होगी x2t, तो इसे हम डिनोट करेंगे x2t is equals to x20, that means initial position, plus v2 into t. क्लियर, हमें दोनों ही ऑब्जेक्ट्स की पोजीशंस की इक्वेशंस मिल चुकी हैं और इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है. अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास जो इक्वेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा x2t माइनस x1t will be equals to x20 minus x10 plus v2 minus v1 into t, ठीक है. तो ये हमें कुछ इस तरह से इक्वेशन मिली. अब हमें पता है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट टू की विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वन उसे हमने इस तरह से डिफाइन किया था कि रेट चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वन इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वन, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये पोजीशंस हमें मिल गई किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए और यहाँ पे जो हमारी इक्वेशंस हैं इन इक्वेशंस में यहाँ पर हम वेलोसिटी की जो टर्म है वो भी हमारे पास गिवन है. तो फर्दर हम इसे मॉडिफाई करें तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं. तो मॉडिफाई करने के बाद हमारा जो इक्वेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा x2t माइनस x20, ये है हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए और फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए लिखें तो क्या होगा x1t माइनस x10, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू
वी टू माइनस वी वन इंटू टी। क्लियर। तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन में ये वाला जो टर्म है ये है डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, ठीक है, ये है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज है या फिर हम कहें डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट टू का डिस्प्लेसमेंट मिला और ये है ऑब्जेक्ट वन का, तो दोनों का हमने यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट किया और वो जो है वी टू माइनस वी वन इंटू टी के इक्वल है। क्लियर। चलिए अब इसके आगे की इक्वेशन देखते हैं। तो इस इक्वेशन को फर्दर हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स टू टी माइनस एक्स टू जीरो माइनस एक्स वन टी माइनस एक्स वन जीरो डिवाइडेड बाय टी एंड दैट इज इक्वल्स टू वी टू माइनस वी वन, ठीक है। तो इसे हम इस तरह से रीड करेंगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वन इन टाइम टी, ठीक है। तो या फिर हम इसको ऐसे बोलेंगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वन अपॉन टाइम टी दैट इज इक्वल्स टू वी टू माइनस वी वन, ठीक है। तो वी टू माइनस वी वन को हम लोग इस तरह से लिखते हैं वी टू वन, और इसे हम रीड करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, दिस वन इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वन। क्लियर। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन मिला ये इक्वेशन को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वन। सिमिलरली अगर हमें डिफाइन करना हो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वन विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट टू, तो उसे हम लिखेंगे v1 वन माइनस वी टू एंड दैट इज डिनोटेड बाय v12, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वन विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट टू इज डिनोटेड बाय v12। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हम सिमिलर प्रोसीजर फॉलो करके ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे रिलेटिव वेलोसिटी जो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वन, इसे हमने डिनोट किया हुआ है v21 से, और जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वन है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट टू उसे हमने डिनोट किया हुआ है v12 से, दैट मीन्स v12 इज डिनोटेड बाय v1 माइनस v2, और इसे हम रीड करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वन विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट टू, ठीक है, और इसे हम लिखते हैं v1 माइनस v2 एंड v21 इसे हम लिखते हैं v2 माइनस v1, और इसे हम रीड करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वन। क्लियर। तो ये टर्म्स आप ध्यान रखिएगा।